हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु आज लेके आया हूँ आपके लिए परसेंटेज की सुपर ट्रिक्स। मतलब आज प्रतिशत के जो क्वेश्चन हैं उनकी एक लाजवाब ट्रिक लेके आया हूँ, और एक ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। ठीक है, हर बार, चाहे रेलवे, चाहे SSC, चाहे बैंक, हर तरीके के एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार वो क्वेश्चन हमको दिखते हैं, और हर बार उन क्वेश्चंस में हम लोग छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर तरीके के टाइप उसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से त्यौहार को मनाइए, लेकिन सेफली मनाइए। कोशिश करिए घर से बाहर ना जाएं, और घर पे ही जितना हो सकता है उतना ही टाइम स्पेंड करें। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिक की। सबसे पहले तो जितने भी लोगों को अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ अनअकैडमी की क्लासेस नहीं मिली हैं, तो अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग मैं बता देता हूँ। 10 बजे SSC की क्लास है, और रात को 9 बजे अपनी बैंकिंग की क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। और अगर मैं बात करता हूँ कि सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे बैंकिंग की क्लास 7:30 से 9:30, दो दो घंटे चलती है, और SSC की क्लास यही टाइमिंग पे 10 बजे चलती है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आपको मैथ्स बाय प्रबल सर नाम से, और अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल प्रबल लवानिया नाम से है। तो अभी जाकर तुरंत आफ्टर द सेशन प्रबल लवानिया सर्च करिए अनअकैडमी पे, और मेरे को फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी की बात करते हैं। तो ये मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल है, जिसमें मोर देन 5,000 सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई जल्दी से इसको मेरे को फॉलो कर लीजिए। आपको सिर्फ ये स्पेलिंग लिखना है और मेरे को सर्च करना है, और वहाँ पर फॉलो का जो बटन आएगा उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, फॉलो करने से फ़ायदा ये होता है कि अपने को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये है आपके सामने। क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस बाय 20%, मतलब चीनी की कीमत 20% कम हो गई। 20% कम होने का मतलब है कि पहले कीमत 100 थी, अब 20% कम हो गई तो कितनी हो गई होगी, 80। बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा। 100 से 20 यूनिट कम हो गया, 80 हो गई। अब एक बात बताओ, अगर कीमत कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो। कितना ज़्यादा खरीदोगे, 20 यूनिट कितने पे, 80 पे, मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4। अब बात को समझना, प्लस 1/4 का मतलब पता है क्या है, कि पहले आप 4 यूनिट खरीदते थे, आज 1 यूनिट ज़्यादा खरीदते हो, तो आज कितना खरीद रहे हो, 5। 4 आपका ओरिजिनल है, ठीक है, 5 आपका आज का है। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 आपका ओरिजिनल है, मतलब पहले आपकी खपत थी 4 यूनिट, आज आपकी खपत 1 यूनिट ज़्यादा है, तो आज आप 5 यूनिट कंज्यूम करते हो, लेकिन खपत कितनी बढ़ाई आपने, 500 ग्राम बढ़ाई, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ाया, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 500 ग्राम। आपको क्वेश्चन में निकालना है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस है कितना, ओरिजिनल प्राइस से पहले ओरिजिनल खपत तो निकाल लें। ये ओरिजिनल खपत थी 1 यूनिट का मान 500 ग्राम, तो 4 यूनिट का मान 2 किलो, 500 ग्राम का 4 गुना कितना होगा, 2 किलो। अब 2 किलो कितने रुपए में, 36 रुपए में, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी भाई, 18 रुपए। 1 किलो की कीमत कितनी होगी, 18 रुपए। तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 18 रुपीज। क्लियर हुआ क्वेश्चन, एक बार फिर समझेंगे, 100 पे 20 यूनिट कम हो गया, 80 हो गया। अगर 20 यूनिट प्राइस कम हुआ तो खपत 20 यूनिट बढ़ा सकते हैं, कितने पे, 80 पे, मतलब प्लस 1/4। प्लस 1/4 का मतलब है 4 पे अगर 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं बढ़ा, बढ़ा कितना है, 500 ग्राम, 1 का मान 500 ग्राम, तो 4 का मान 2 किलो, तो 2 किलो 36 रुपए में, तो 1 किलो की कीमत हो गई 18 रुपए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। देखो, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% कम कर दिया जाए, मतलब 100 पे अगर मैं 10% कम कर देता हूँ तो 90 हो जाएगा, तो 10 यूनिट में बढ़ा सकता हूँ, कितने पे, 90 पे, मतलब प्लस का 1/9। प्लस के 1/9 का मतलब है पहले अगर मैं कंज्यूम करता था 9 यूनिट, ओरिजिनली 9 यूनिट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में फंसता है, और हर बार छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं कि ओरिजिनल है, क्या है, कुछ नहीं, सीधे आपको देखना है 9 पे 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 10, लेकिन 1 नहीं बढ़ा, क्वेश्चन में कितना बोला है, 1 किलो, 1 का मान हो गया 1 किलो, ओरिजिनल पूछा है तो 9 × 1 9 kg होगा, और 9 किलो कितने रुपए में, पैसे में तो कोई बदलाव नहीं है, 270 रुपए में, तो 270 रुपए में 9 किलो, मतलब आपकी कीमत आएगी 30 रुपए। तो जितने लोग 30 रुपए पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, 30 रुपीज विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ। अब जैसे आपने प्राइस को कम कर दिया था, ऐसे ही प्राइस को बढ़ाया भी जा सकता है, देखते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब भाई पहले कीमत 100 थी,
अब 10% बढ़ा दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 110। अगर 10 यूनिट कीमत बढ़ा दी जाती है तो आप खपत को 10 यूनिट कम करोगे कितने पे, 110 पे। 10 यूनिट खपत को कम करोगे कितने पे, 110 पे, मतलब हो जाएगा माइनस का 1/11। माइनस 1/11 का मतलब है पहले आप 11 यूनिट खपत करते थे, एक यूनिट कम है तो कितना हो गया 10। 11 आपका ओरिजिनल है और 10 आपका आज का है, बात को समझना। 11 आपका ओरिजिनल है, 10 आपका आज का है, एक यूनिट कम है लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कितना कम है, 1 किलो। 1 का मान 1 किलो हो गया तो क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिनल प्राइस, तो 11 × 1 कितना आएगा, 11 किलो। भाई 11 किलो कितने रुपए में, पैसे में तो कोई बदलाव नहीं है, तो 220 रुपए में अगर 11 किलो है मतलब आपकी कीमत आएगी 20 रुपए, आंसर आएगा 20 रुपए। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछता आज की कीमत बताओ, आज की एक यूनिट का मान 1 किलो तो 10 का मान हो गया 10 किलो। अगर पूछता आज कीमत कितनी है, आज प्रेजेंट में, तो आज कीमत कितनी हो जाती, पैसा तो 220 ही खर्च होगा लेकिन कितने किलो, 10 किलो, तो आज कीमत कितनी हो गई, 22। चेक करना चाहो चेक कर लो, 10% कीमत बढ़ गई थी, ये ओरिजिनल कीमत थी, ओरिजिनल 20% है, 20 रुपए है, 20 रुपए का 10% होता है 2 रुपए, 2 रुपए बढ़ाएंगे तो कीमत आपकी कितनी हो चुकी है, 22 रुपए। ठीक है, प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो सीधे सीधे क्वेश्चन करना है। 10% आपने बढ़ाया तो 10 यूनिट कम हो जाएगी खपत 110 पे। माइनस वन बाय इलेवन का मतलब है पहले आपकी खपत 11 यूनिट थी, अब 1 यूनिट कम हो चुका है तो 10 हो गया, लेकिन 1 नहीं कम हुआ, 1 की जगह 1 किलो कम हुआ है तो 11 की जगह 11 किलो। 11 किलो 220 रुपए में, ओरिजिनल की बात कर रहा था, और अगर आज की बात करता कि अभी बताओ कितना है, तो 1 की वैल्यू 1 किलो, 10 की वैल्यू 10 किलो, 220 रुपए में, तो 1 किलो की वैल्यू हो जाएगी 22 रुपए हो जाएगी अगर बढ़ी हुई पूछता कीमत तो। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो चुका है, एक और क्वेश्चन देखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन ट्रिक है, सच बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार एक ना एक आता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, और हर बार छोटी छोटी मिस्टेक हम कर देते हैं तो अब गलतियाँ नहीं होंगी। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, भाई प्राइस को 20% बढ़ाना है, ये बढ़ा देते हैं 20%, 120 हो गया। ठीक है, अगर कीमत 20% बढ़ गई तो खपत 20 यूनिट कम होगी 120 पे, मतलब माइनस का 1/6 होगा, बात को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर हैज टू बी कैप्ट सेम, मतलब खर्चा बराबर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बताना है रिडक्शन इन कंजम्पशन। भाई एक बात बताओ, माइनस 1/6 का मतलब है पहले आपका 6 यूनिट कंजम्पशन था ओरिजिनल, आज 1 यूनिट कम हो गया तो आज का कंजम्पशन कितना है, आज प्रेजेंट में कंजम्पशन कितना है, 5 यूनिट, यही तो है। माइनस 1/6 का मतलब क्या है, पहले आप 6 यूनिट खर्चा करते थे, आज 1 यूनिट कम कर रहे हो तो आज का खपत कितनी है, आज का खर्चा कितना, 5 यूनिट। क्वेश्चन ने पूछा है रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो भाई रिडक्शन कितना हुआ, 1 यूनिट का रेशियो, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है भाई, 6 यूनिट, आंसर आ गया 1:6, खत्म क्वेश्चन। सीधे सीधे आपने ये चार्ट एक बार बना लिया ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे इस टाइप के, चाहे कोई भी प्राइस कंजम्पशन का क्वेश्चन हो आप इसे कर सकते हो। रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना रिड्यूस करा गया, 1 यूनिट, 6 पे 1 यूनिट कम करा, ओरिजिनल पोला है तो ओरिजिनल 6 है, तो 1:6 का आपका रेशो आ जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है वो दोबारा से फिर अगस्त में आ रहा है, आप ही की डिमांड में, अगस्त में 20 अगस्त को ये फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, चाहे आपको मैथ का एम भी नहीं आता हो लेकिन आप मेरे से पढ़ोगे सारी चीज़ें, बेसिक टू हाई लेवल ट्रिक्स के साथ भी सीख जाओगे और बेसिक से भी सीख जाओगे। तो आज ही इस कोर्स में आप एनरोल करिए, ठीक है, और अभी जो कोर्स चल रहा है उसमें आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, भाई देखो कोर्स तो लेना ही है तो बेटर है अभी एनरोल कर लोगे तो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट 15 दिन लगभग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चलेगा तो वो भी बढ़ने को मिल जाएगा, फिर जैसे ही नया कोर्स लॉन्च होगा उसमें शिफ्ट हो जाना, क्योंकि कोर्स का तो कोई पैसा ही नहीं है। एक बार एनरोल करना है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये सब कुछ पढ़ सकते हो उसमें, सब कुछ जो मन करे, ठीक है। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए देखो क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे सारी पूरी प्रोसेस है, बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो वहाँ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो अनअकैडमी ऐप ओपन करो, एसएससी गोल सेलेक्ट करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको 12 मंथ चूज करना है और प्रबल सर कोड अप्लाई करना है, जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा और आपका पैसा अप्रोक्सीमेट 5400 पहुँच जाएगा।
अगर आप अनएकेडमी के रेगुलर व्यूअर हो, मतलब रेगुलरली आप फ्री क्लासेस देखते हो, तो कहीं ना कहीं 500-600 रुपए आपको वहाँ भी मिले होंगे, वो 600 रुपए भी अपने कम हो जाएंगे। तो फाइनल प्राइस हमारा 4800 कुछ पहुँचेगा 12 महीने का। मेरे को नहीं लगता कि 400 रुपए महीना बचाना चाहिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए। अभी रक्षाबंधन की बात करें, 500-600 रुपए की तो मिठाई खा जाएंगे हम लोग, 400 रुपए पर मंथ, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिनको आपको लगता है पढ़ना चाहिए, जिनसे आपके फेवरेट एजुकेटर आपके साथ हर समय रहेंगे टच में, क्योंकि इसके लिए सेपरेट टेलीग्राम चैनल, सेपरेट डाउट बैच, और हर 3 दिन बाद आपको डाउट सेशन भी मिलेगा। और जितने मेरे पेड कोर्स हर महीने आएंगे वो सारे फ्री एक्सेस हो जाएंगे, चाहे किसी के भी पेड कोर्स हो सबके, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो मेरे से जानकारी, मैथ्स बाय प्रबल सर टेलीग्राम चैनल पे, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। अगेन वंस अगेन आई एम सेइंग रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अपने बहनों की, अपने महिलाओं की, और या फिर बोल सकते हैं कि अपने दोस्तों की, सभी की इज्जत करिए, जो भी महिला आपके जीवन में जुड़ी हुई है सभी की इज्जत करिए, और दूसरे जिनकी बहनें, माताएं, सबकी इज्जत करिए, क्योंकि भाई यही सबसे बड़ी पूंजी है। आप एक बार रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को अंत करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय द सेशन।